अकोला सुरताखेड़ा कनेक्टिविटी रोड के शिलान्यास का कार्यक्रम कांग्रेस के आनंदीराम जी खटीक और उनके साथ उपस्थित लोगों ने जो किया वो पूर्ण रूप से असंवैधानिक है और राज्य सरकार ने भी आदेश जारी कर रखे हैं कि कोई भी कार्यक्रम हो शिलान्यास या उद्घाटन का तो उसके अंदर चुने हुए जनप्रतिनिधि भाग ले सकते हैं, भाग लेंगे और इस प्रकार का कहीं कार्यक्रम आयोजित होता है तो पूर्ण रूप से असंवैधानिक है। सुरताखेड़ा में जो कार्यक्रम आयोजित हुआ इसमें असंवैधानिक तो है ही, साथ ही जो धारा 144 लगी हुई है उसकी भी पूर्ण रूप से अवहेलना की गई और लॉकडाउन के नियमों को ताक में रखते हुए जितने भी लोग उपस्थित थे अधिकतर लोगों के मुंह पर मास्क नहीं लगे हुए थे और जो सत्ताधारी दल के सदस्य बताते हैं अपने आप को उनको यही पता नहीं है कि सरकार के नियम क्या है लॉकडाउन के अंतर्गत और कितने लोग इकट्ठे हो सकते हैं कितने नहीं हो सकते हैं। और जो कार्यक्रम किया इन्होंने वो पूर्ण रूप से असंवैधानिक है, ये कोई कार्यक्रम नहीं है और मैं भोपाल सागर पंचायत समिति का उपप्रधान होने के नाते यह कहना चाहूँगा कि सुरताखेड़ा सड़क की स्वीकृति माननीय विधायक महोदय के प्रयासों से और सांसद सीपी जी जोशी के प्रयासों से हुई है और इसका विधिवत रूप से शिलान्यास कार्यक्रम माननीय स्वीकृति माननीय विधायक महोदय के प्रयासों से और सांसद सीपी जी जोशी के प्रयासों से हुई है और इसका विधिवत रूप से शिलान्यास कार्यक्रम माननीय सांसद महोदय और विधायक महोदय के आतिथ्य में बहुत शीघ्र किया जाएगा और उसमें सभी लॉकडाउन के जो नियम हैं उन सबका पालन करते हुए ही इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा। नमस्कार पत्रकार साहब, मैं सरपंच तारा मालीवाल ग्राम पंचायत अकोला। दो दिन पहले ही हमारे राजस्व ग्राम सुरताखेड़ा में जो शिलान्यास किया गया आनंदीराम जी खटीक के द्वारा वो सरासर गलत है क्योंकि वो कोई जनप्रतिनिधि नहीं है और शिलान्यास किया तो उसमें ग्राम पंचायत को पता ही नहीं, न ही इसकी कोई सूचना है। मैं इसका सरासर विरोध करती हूँ और इसका खंडन करती हूँ। मैं राज्य सरकार से अनुरोध करती हूँ कि इसका पुनः शिलान्यास कराया जाए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा भीड़ इकट्ठी करके जो धारा 144 का उल्लंघन किया है वो सरासर गलत है, गलत। आज मुझे अखबार के माध्यम से पता चला ग्राम पंचायत अकोला के सुरताखेड़ा गाँव में कनेक्टिविटी रोड का शिलान्यास किया गया। ये शिलान्यास मेरे साथ जो प्रत्याशी रहे कांग्रेस के वो और उनके कुछ साथी उन्होंने शिलान्यास किया है। शिलान्यास और उद्घाटन करने के सरकार के द्वारा कुछ नियम बने हुए हैं कार्मिक विभाग के द्वारा और उन्हीं के अनुसार जो जनप्रतिनिधि होता है, सांसद होता है, सरपंच होता है, प्रधान होता है, वही व्यक्ति शिलान्यास और उद्घाटन करने का अधिकारी होता है। लेकिन ये संवैधानिक अधिकारों के पदों पर डकैती करने का जो काम किया कांग्रेस के प्रत्याशी ने वो बिल्कुल भी न्यायोचित नहीं है, वैधानिक नहीं है। इस प्रकार से अवहेलना करने वाले जो व्यक्ति हैं वही व्यक्ति ऐसा काम करते हैं और जो शिलान्यास पट्टिका बनाई गई है वो उनके खर्चे पर लिखवा करके लाए और गांव के अंदर उस सड़क के किनारे चिपका करके चले गए, जिसका कोई औचित्य नहीं है। चुनाव के अंदर भी कांग्रेस के प्रत्याशी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहा था कि मुझे एक बार चुनाव जिता दो, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को देख लूँगा। तो उस समय तो जनता ने देख लिया था और अब असंवैधानिक काम करने के लिए कांग्रेस प्रत्याशी इतने सरकार के मद में मदोस भूल करके अवैधानिक काम कर रहे हैं। मैं इस शिलान्यास की भर्त्सना करता हूँ और जनता में जो रोष है उसको भी जनता समझ रही है और मैं इस संबंध में राज्य सरकार के मुख्य सचिव और जिला कलेक्टर को पत्र लिखूंगा ताकि भविष्य के अंदर कोई भी व्यक्ति जो कोई भी राहगीर होगा जिसके पास कोई भी संवैधानिक अधिकार नहीं होगा वो इस प्रकार के शिलान्यास और उद्घाटन नहीं करे। धन्यवाद।